प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 वर्ष के हो रहे हैं और इस दौरान संगठन से सियासत, सियासत से सत्ता, सत्ता से शीर्ष सत्ता और शीर्ष सत्ता से प्रधान सेवक का उत्तरदायित्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 दशकों से अधिक की आयु यात्रा में 7 रंगों से विविधता है और 7 सुरों सा जीवन राग। अगर आपके दिल में समाज के लिए, देश के लिए करने की आग है, निकल पड़िए दोस्तों, रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। लेना पाना बनना, ये ख्वाब लेके चलोगे तो ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, लेकिन देने के मिजाज से निकलोगे तो दुनिया आपके चरण चूमने लग जाएगी, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 वर्ष के हो गए। इतनी जीवन यात्रा में कितने पड़ाव आए, कितने पड़ाव गए, कितनी स्मृतियां, कितने भाव, कितने वचन, कितने संकल्प जो आज साथ हैं, उनके पास कहने को कितना कुछ है। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो लोग भी मोदी जी के जन्मदिन को मनाते हैं, मनाना चाहते हैं, वह सेवा के माध्यम से मनाएं, वह स्वच्छता के माध्यम से मनाएं, वह गरीबों की सेवा से मनाएं, वह किसी अनाथालय में जाकर के बच्चों की सेवा करें, वह किसी जहाँ कृत्रिम अंग किसी को दान दिए जाते हैं वहाँ जाएं, वो मरीजों की चिंता करें, वो रक्तदान करें, वह पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण से अपने आप को जोड़ें, प्लास्टिक से इकट्ठा करें। ये सब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली के दृष्टि से हम कह सकते हैं कि उन्होंने इन सब चीजों के लिए लोगों को प्रेरित किया है। दिल्ली में जगमगाता कर्तव्य पथ अब अक्सर उनके संपूर्ण जीवन की सोच को एक हिस्से में बयां करता है। कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। यहां जब देश के लोग आएंगे, वो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल, ये सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओत प्रोत करेंगे। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी काफी पहले से राष्ट्रवाद के जुनून की उनकी कहानी सुनाती है। He said, bring metal, not any metal. Bring metal that has been used in the fields of farmers. So the Loha campaign was launched, which was a huge campaign. Perhaps, I am not very sure, but my own understanding is, this kind of a campaign may not have been ever launched earlier, and perhaps so far it hasn't been done. Close to 1,69,000 villages of this country contributed. So we got 1,69,000 odd boxes, maybe 1,69,250 boxes, which had one piece of metal that was used by the farmer within his field. Jo samne aaya, wo keh diya. जो दिल में रह गया वो आंसू बनकर बह निकला। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब मौका मिला तो आंसुओं की कितनी ही कहानियां बदल दी। एक गांव की निवासिनी, मेरी घरेलू महिला सहयोगी, प्रभा नाम, तो मैंने उससे एक बार हंस कर कहा, चुनाव में किसको वोट दोगी? तो उसने कहा, मोदी जी के दे भाई। तो हमने कहा, क्यों, मोदी जी को क्यों दोगी तुम? तो उसने कहा कि ये दीजिए, एक बात कही थी, अपने सुनिए। हमरा बाप दादा अंधेरा धुंधेरा में जी के मर गए थे, आ हमनी के घर में अब चकाचक बत्ती जल है, ये मोदी जी के देन है। आ एकरा से भी बढ़ के देखूं, हमर सास, हमर माए, दादी पर दादी सब के हूँ, हम हूँ आधा जिंदगी चूल्हा झोंके के रहे, खांसी हो जाते रहे फूकते फूकते चूल्हा, बाकी अब हमनी के पुतोह सब गैस पर खाना पकवे थे। अब
हम लोग हमेशा चूल्हा रहित ईंधन रहित चूल्हे की बात करते थे, उस बात को उन्होंने साकार किया, समझा। 21 साल बीत गए संवैधानिक सत्ता के चुने मुखिया की भूमिका निभाते, लेकिन लक्ष्यों की यात्रा अब भी निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री के दायित्व का दूसरा कार्यकाल पूर्णता की ओर बढ़ चला, लेकिन विचारों का मंथन रोज नए ख्वाब बुनता है। प्रधान सेवक के कर्तव्यों ने देश की राजनीति की धुरी बना दिया, लेकिन दिल में अब भी वडनगर का वही स्वयं सेवक रहता है जिसने देखी है वो पूरी यात्रा साधारण से असाधारण बनने की।